कुछ ही घंटों पहले पाकिस्तान ने भारतीय एयरफील्ड्स पर हवाई हमला किया है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिल्मी सीक्रेट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, देश भर में आजादी का जश्न मनाया जा रहा है। इस साल देश ने अपनी आजादी के 75 साल पूरे कर लिए। इस खास मौके पर हर कोई जश्न में डूबा हुआ। इसी बीच स्वतंत्रता दिवस के इस खास मौके पर ईशान खट्टर और मृणाल ठाकुर की फिल्म पीपा का टीजर जारी कर दिया है। सामने आया फिल्म का टीजर काफी धमाकेदार है। देशभक्ति के रंग में रंगा फिल्म का यह टीजर रिलीज होते ही तेजी से वायरल हो रहा है। इस टीजर को फिल्म में बतौर मुख्य कलाकार नजर आए मृणाल ठाकुर और ईशान खट्टर ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। 1 मिनट 7 मिनट के इस वीडियो में 3 दिसंबर 1971 के युद्ध की झलक देखने को मिल रही है। वीडियो में पूरा देश रेडियो पर देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को सुनते नजर आ रहे हैं। वीडियो में पीएम कहती है, 6 घंटों पहले पाकिस्तान ने भारतीय एयरफील्ड्स पर हवाई हमला किया है। मैं भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पाकिस्तान के साथ जंग का ऐलान करती हूं। जय हिंद। इस दौरान टीजर में मृणाल ठाकुर और ईशान खट्टर के कुछ सीन्स को भी देखने को मिल रहे हैं। वीडियो में ईशान युद्ध के मैदान में नजर आ रहे हैं। टीजर में एक्टर को देखा जा सकता है कि उनकी भूमिका काफी दमदार होने वाली है। टीजर वीडियो के साथ ही फिल्म की रिलीज डेट का भी ऐलान कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक ईशान खट्टर की यह फिल्म 2 दिसंबर 2022 को सिनेमा घरों में दस्तक देने को पूरी तरह से है तैयार। फिल्म की बात करें तो पीपा एक वार फिल्म है जिसमें 45वें कैवलरी ट्रैक स्क्वाड्रन के एक दिग्गज ब्रिगेडियर बलराम सिंह मेहता की बहादुरी को दिखाया जाएगा। यह फिल्म ब्रिगेडियर बलराम सिंह मेहता की किताब द बर्निंग 40 पर आधारित है। राजा कृष्णन मेनन के निर्देशन में बनी इस फिल्म में गरीबपुर में लड़ी गई 12 दिन के युद्ध की कहानी दिखाई जाएगी, जिसके कारण बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को इस मूवी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।